हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन और आप देख रहे हैं खोज डील। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल से देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 40,000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट कैमराज जो आपकी नीड्स को पूरा करेंगे। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं जिसने अभी बस बिगिन ही किया है अपनी फोटोग्राफी के पैशन को फॉलो करना, तो आपके लिए भी एक सुटेबल चॉइस ऑफ कैमरा इस वीडियो के लिस्ट में देखने को मिल जाए। या फिर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और चाहते हैं अपने लिए एक बजट कैमरा जिसके अंदर आपको सारे फीचर सेट देखने को मिल जाए जो कि आपकी नीड्स को पूरा करें, तो उसके लिए भी एक कैमरा अवेलेबल है इस लिस्ट में। सो पूरी वीडियो कंटिन्यूसली देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप कैमरा बाय करें उसके लिए पहले आपको कुछ पॉइंटर्स कंसीडर करने चाहिए या फिर ऐसे रिमार्क्स ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप एक कैमरा बाय करें, क्योंकि वही पॉइंटर्स डिसाइड करेंगे कि आपकी नीड्स क्या हैं और आपको किस हिसाब का कैमरा अपने लिए खरीदना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक पहले से कंप्लीट बाइंग गाइड बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस आई बटन में भी दे दूंगा, साथ ही साथ में उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो एंड फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जानते हैं हमारे पहले कैमरा के बारे में। और मैं मानता हूं ये उन लोगों के लिए मोस्ट ऑफ द सुटेबल चॉइस रहेगा जो लोग अपनी पर्सनल यूसेज के लिए एक कैमरा खरीदना चाहते हैं, अपने रैंडम फोटोज और वीडियोस को कैप्चर करना चाहते हैं और ज्यादा स्पेंड भी नहीं कर सकते, अंडर बजट ऑफ 30,000 वो अपने लिए एक बेस्ट सुटेबल चॉइस का कैमरा ढूंढ रहे हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए कैमरा है, ये एक DSLR और एक पॉइंट एंड शूट का मर्जर कहिए। ये एक सोनी का कैमरा आता है, सोनी का HX400V। ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कैमरा रहेगा आपके लिए अंडर 30,000 रुपीज। इसके अंदर जो फीचर सेट आपको देखने को मिलेंगे वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा सुटेबल रहेंगे आपके लिए। जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन सेंसर जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके लिए शार्प इमेजेस और काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्टी इमेजेस को कैप्चर करने में। और जो स्किन टोन होगा या फिर कलर टोन आपको देखने को मिलेगा इसके आउटपुट के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रहेगा। जी हाँ, आपको ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे इस कैमरा के साथ में। बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की इस कैमरा की, तो ये आता है 1080p फुटेज के साथ में, यानी कि आप 1080p फुटेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फुल HD की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कैमरा के साथ में। पर आपको 1080p एट 30fps का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, 1080p एट 60fps का सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो कि मैं मानता हूँ कोई कौन तो नहीं है, पर आपको 1080p का सपोर्ट देखने को मिल रहा है वही काफ़ी है, वरना तो इस बजट में 1080p का भी सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। बात की जाए इसकी जूमिंग कैपेबिलिटी की, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 50x ऑप्टिकल जूम के साथ में। जी हाँ, ऑप्टिकल जूम यानी कि लॉसलेस जूम, आपको कोई भी डिटेल मिस नहीं होगी जब भी आप इसके साथ जूम करेंगे अप टू 50x। और इस कैमरा में एक बहुत अमेजिंग फीचर दिया गया है, वो है इसका ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइजेशन सेंसर। जैसे कि आप जब भी फोटोज कैप्चर कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप फोटो कैप्चर करते हैं तो कई बार उसमें ब्लरीनेस आ जाती है या फिर शेकी मूवमेंट वाला फोटोज आ जाता है और आपके फाइनल रिजल्ट को वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाता। तो इसी के लिए अवॉइड करने के लिए तो इसमें ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज सेंसर आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि आपकी हेल्प करता है वो शेकीनेस या ब्लरीनेस ना आए आपके फाइनल आउटपुट में। साथ ही में बेटर कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ में देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके लिए आपकी फोटो और वीडियोस को वायरलेसली इजीली ट्रांसफर करने में अपने कैमरा से अपने स्मार्टफोन में, अपने PC में या अपने टैबलेट में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जानते हैं हमारे सेकंड नंबर के कैमरा के बारे में जो कि एक DSLR कैमरा है। और मैं मानता हूं कि अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, अभी अपने फोटोग्राफी के पैशन को परस्यू कर रहे हैं, तो आपके लिए बिगिनर लेवल के लिए ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा सुटेबल चॉइस रहेगा और एक अंडर बजट ही आता है। ये कैमरा आपको देखने मिल जाएगा 27,000 रुपीज का विद द किट लेंस ऑफ 18-55। इसके साथ एक और वेरिएंट आता है जिसमें एक एडिशनल लेंस देखने को मिल जाएगा जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेंस होगा, टेलीफोटो लेंस होगा, 55-200mm का लेंस होगा वो। अगर उसको लेना चाहेंगे तो आपको कॉस्ट पड़ेगी अराउंड 36,000 रुपीज़ की। पर मैं तो कहूँगा अगर आपने बस स्टार्ट किया है आप 18-55mm के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफी को। बात की जाए इस कैमरा के फीचर सेट की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 24 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन सेंसर जो कि आपकी हेल्प करेगा हाईली डिटेल्ड फोटोज़ को कैप्चर करने में। साथ ही साथ में जो शार्पनेस होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड फोटोज़ आपको देखने को मिलेगी इस कैमरा के आउटपुट से। पर वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी मैं नहीं मानता इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस एस्पेक्ट में ये पीछे रह जाता है। आप अगर वीडियोग्राफी के लिए कैमरा लेना चाहते हैं तो ये कैमरा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप इसके साथ में कैनन के और अदर कैमरास को देख सकते हैं या फिर इस लिस्ट में और भी कैमरास आने वाले हैं उनको भी कंसीडर कर सकते हैं अपनी वीडियोग्राफी की नीड्स को पूरा करने के लिए।
अब बात कर लेते हैं इस कैमरा के और फीचर सेट की, तो ये आते हैं ISO रेंज के साथ में, जो कि 100-6400 तक की, यानी कि आप डार्कर इन्वायरमेंट में या फिर जिस जगह कोई ज़्यादा रोशनी अवेलेबल नहीं हो तो वहाँ पे भी आप इसकी ISO को क्रैंक अप कर सकते हैं और फोटोज और वीडियोस को कैप्चर भी कर सकते हैं। बात की जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन की, तो इसमें भी आपको वायरलेस कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि वाईफाई और NFC की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके लिए आपकी फोटो और वीडियोस को ट्रांसफर करने में। साथ ही में इस कैमरा के अंदर देखने को मिल जाएगा EFS लेंस माउंट का सपोर्ट, यानी कि आप कैनन के और भी अदर लेंस को माउंट कर सकते हैं इस कैमरा के साथ में, और कैनन के जो लेंस का इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लेंस देखने को मिल जाएंगे, आप इसके अंदर प्राइम लेंस को अटैच कर सकते हैं, आप इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल वाले लेंस को भी अटैच कर सकते हैं, साथ ही साथ में डिफरेंट तरीके के फोकल लेंस वाले प्राइम लेंस को भी अटैच कर सकते हैं इस कैमरा के साथ में, और अपनी फोटोग्राफी को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं इन लेंसेज के साथ में। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है अबाउट दोस्त कैमराज, तो प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा लाइक बटन को दबाना, साथ ही साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने में। साथ ही में अगर आप और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार एक चैनल के ऊपर विजिट ज़रूर कीजिएगा, आपको डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वीडियोज़ अवेलेबल मिल जाएंगी और आपकी मदद करेंगी आपके बाइंग डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए जल्दी से जल्दी। अगर आपको आज की इस लिस्ट में से कोई भी कैमरा पसंद आया और आप चाहते हैं उसे बाय करना, तो सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आप उन कैमरास के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो एक बार लिंक्स के ऊपर ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएगी ऑन दैट लिंक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जानते हैं हमारे तीसरे नंबर के कैमरा के बारे में, जो कि आता है पैनासोनिक की तरफ से, पैनासोनिक का ल्यूमिक्स G7। ये कैमरा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी देखने को मिल जाती है वो मेरे ख्याल से किसी और कैमरा में आपको देखने को नहीं मिलेगी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिव्यूज़ या फिर ऐसी वीडियोस जो आप शूट करते हो लाइक इंडोर्स में शूट कर रहे हो। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मैं ये कैमरा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ट्रैवलिंग के लिए अगला कैमरा शायद से आपके लिए सुटेबल चॉइस रहेगा, पर ये कैमरा ट्रैवलर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ब्लॉगर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेसिकली माइंडसेट में ये ध्यान में रख के ही बनाया गया है। इस कैमरा के अंदर आपको 4K मूवी रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में 1080p एट 60fps का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्मूथ फुटेज को भी आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कैमरा के साथ में। बात की जाए इसके मेगापिक्सल सेंसर की, तो ये आते हैं अराउंड 16 मेगापिक्सल सेंसर के साथ में, इतने सब फीचर सेट होने के बावजूद भी ये कैमरा आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 37,000 रुपीज़। जी हाँ, सिर्फ 37,000 रुपीज़ में आपके पास एक मिररलेस कैमरा है जिसके अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी देखने को मिल जाती है। कि अगर आपकी प्रायोरिटी ऑटो फोकस है तो मैं नहीं मानता कि आपके लिए सुटेबल चॉइस का कैमरा रहेगा, आप प्रेफर कीजिएगा कैनन 200D मार्क II के साथ जाना, या फिर आप कैनन M50 के साथ भी जा सकते हैं, पर इस कैमरा के साथ अगर आपकी प्रायोरिटी ऑटो फोकस है तो नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसका ऑटो फोकस, पर मैनुअल फोकस अच्छा है, आप मैनुअली फोकस कर सकते हैं आपके शॉट के हिसाब से, उसके लिए सुटेबल रहेगा। पर जो उसकी वीडियो की आउटपुट की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी और डिटेल्ड वीडियोस आपको इसके आउटपुट से देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ में इसकी जो फोटोज़ हैं वो भी काफ़ी शार्प आती है, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग आपको उनमें भी देखने को मिल जाएगी, और कलर टोन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कलर टोन आपको देखने को मिल जाएगा, sRGB अडोबे को ये सपोर्ट करता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर टोन आपको देखने को मिल जाएगा, और पोस्ट प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाएगा आपको इस कैमरा के थ्रू। बात की जाए इस कैमरा की कनेक्टिविटी ऑप्शन की, तो इसमें भी आपको वाईफाई और NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो आप वायरलेसली फोटोज और वीडियोस ट्रांसफर कर सकते हैं इस कैमरा के थ्रू। तो आइए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं हमारे नेक्स्ट कैमरा के बारे में, जो कि है कैनन की तरफ से, कैनन का G7X Mark II। ये कैमरा आता है 20 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर के साथ में, यानी कि हाई डिटेल फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। जी हाँ, ये दोनों में ही कैपेबल है, आपकी जो वीडियो की आउटपुट या फिर फोटोज़ का आउटपुट देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिलेगा, क्योंकि ये एक मिररलेस कैमरा है तो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कैमरा के थ्रू। और अगर मिररलेस कैमरा है तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, इसी वजह से इसमें आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस कैमरा में। जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको शेकीनेस देखने को नहीं मिलेगी इस कैमरा के आउटपुट से। बात की जाए इस कैमरा के वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 1080p एट 60fps का सपोर्ट, यानी कि आप स्मूथ फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कैमरा के जरिए, और साथ ही साथ में वायरलेस कनेक्टिविटी की बात की जाए तो वायरलेस कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, वाईफाई NFC और ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी वायर के थ्रू अपनी फोटो और वीडियोस को अपने स्मार्टफोन PC या फिर अपने टैबलेट में भी।
फॉर वीडियो क्रिएटर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा टिल्ट स्क्रीन मोड का ऑप्शन। जब भी आप वीडियो शूट कर रहे हो, अपनी खुद की वीडियो शूट कर रहे हो और आपको प्रीव्यू जानना है कि आपका शॉट कैसा लग रहा है, तो आप इसकी स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ में उस स्क्रीन को एज ए व्यू फाइंडर भी यूज कर सकते हैं जब भी आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। इसकी जो स्क्रीन है वो है 3 इंचेस की, तो काफी अच्छी स्क्रीन साइज भी यहाँ प्रोवाइड की गई है कैनन के जरिए। बात की जाए इस कैमरा के प्राइसिंग, तो ये आपको पड़ेगा अराउंड 37,000 रुपीज ओनली। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं हमारी इस लिस्ट के सबसे लास्ट कैमरा के बारे में, जो कि आज GoPro की तरफ से, और मैं मानता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट कैमराज फॉर ट्रैवलर्स और जिनको व्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जिनको वाइड एंगल का परस्पेक्टिव चाहिए अपने कैमरा के आउटपुट के जरिए, तो ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा GoPro की तरफ से, GoPro का Hero 9। जी हाँ, ये GoPro का Hero 9 कैमरा है और ये वन ऑफ द फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा GoPro की तरफ से। इस कैमरे के साथ में और भी ज़्यादा बंडल एडिशन भी आते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको 3-way गिफ्ट भी देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ में और भी ज़्यादा एक्सेसरी भी देखने को मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने बजट को। अराउंड 42,000 to 43,000 rupees का पड़ जाता है वो कैमरा और बंडल, मतलब पूरा बंडल आपको वो 42,000 to 43,000 देखने को मिल जाएगा, पर जो इसकी बॉडी है वो आपको अराउंड 38,000 की देखने को मिल जाएगी, यानी कि कैमरा ओनली आपको 38,000 का देखने को मिल जाएगा। पर मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप व्लॉगिंग के लिए या फिर ट्रैवलिंग के लिए कैमरा खरीद रहे हैं तो आप पूरी की पूरी बंडल किट के साथ ही खरीदिएगा, क्योंकि उसमें आपको ढेर सारी एक्सेसरीज देखने को मिल जाएंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगी आपके कैमरा के आउटपुट को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने में और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इस कैमरा के और फीचर सेट के बारे में, जैसे कि आता है 23.6 मेगापिक्सल सेंसर के साथ में, जो कि फ्लैगशिप ग्रेड सेंसर है और जिसके अंदर आपको हाईली डिटेल्ड वीडियोस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट करता है 5K वीडियो रेजोल्यूशन। जी हाँ, आप 5K फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कैमरा के साथ में, जहाँ दूसरे कैमरा 4K तक को भी सपोर्ट नहीं करते इस बजट के अंदर, यहाँ पे आपको 5K वीडियो रेजोल्यूशन का सेंसर का सपोर्ट इजीली देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में इसके अंदर आप 4K को डिफरेंट तरीके के वेरियस फ्रेम रेट्स के ऊपर भी कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि 4K को 60fps पे, 4K को 30fps पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और साथ ही साथ में 1080p अगर आपको स्लो मोशन फुटेज ज़्यादा पसंद है तो स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप इस कैमरा के जरिए, जैसे कि 1080p पे एट 240fps का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा इस कैमरा के जरिए। साथ ही में कनेक्टिविटी ऑप्शन में भी किसी तरीके की कमी नहीं रखता, आपको वायरलेस कनेक्टिविटी इजीली देखने को मिल जाएगी इस कैमरा के साथ में। बात की जाए स्क्रीन की, तो इसमें आपको डुअल स्क्रीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक फ्रंट में एक बैक में, दोनों ही स्क्रीन को आप एज ए व्यू फाइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप सेल्फ शॉट ले रहे हो, ताकि आपको पता चले कि आपका कैमरा क्या आउटपुट दे रहा है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और साथ ही में इसमें आपको देखने को मिल जाएगी वायरलेस कनेक्टिविटी, जिसमें कि आप वायरलेसली अपनी फोटो और वीडियोस को ट्रांसफर कर सकते हैं इस कैमरा के जरिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा लाइक बटन दबाना, साथ ही में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए। और अगर आपको कोई आज की लिस्ट में से प्रोडक्ट अच्छा लगा है या फिर कोई कैमरा अच्छा लगा है, तो सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके बाय भी कर सकते हैं। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उन लिंक्स के ऊपर ज़रूर विजिट कीजिएगा, साथ ही में khojdeal.com पे भी जाइएगा और वहाँ पे कूपन कोड और डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।